गाइस अगर आप मेरी बताई हूँ आज की ये सिर्फ 3 एक्सरसाइज फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके ये साइड के बल्जेस, आपके टमी बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। आप खुद नोटिस कर सकते हैं, मेरा अभी नवंबर में वीडियो आया था जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि मेरा टमी बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट कर रहा है, और अभी चल रहा है जनवरी और आप देख सकते हैं कि मेरे टमी में बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। तो आप कट्स देख सकते हैं, और जान एंड होते होते मैं एप्स पे वर्कआउट कर रही हूँ, मे बी मेरे एप्स भी दिखना स्टार्ट हो जाएं। तो आपको भी अपने टमी पे बहुत ज़्यादा काम करना है। ये वाली पिक्चर है मेरी नवंबर वीडियो की, और अभी वाली आप देख सकते हो 2 मंथ्स में ह्यूज डिफरेंस है। तो करने की लगन होनी चाहिए, और ये इतनी इफेक्टिव एक्सरसाइज है कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप भी अपना ड्रीम फिजिक पा सकते हैं, अपने टमी को अंदर कर सकते हैं, लेकिन करना होगा रेगुलर फॉलो। चलिए देखते हैं मैं इसके लिए क्या यूज़ करने वाली हूँ इसका इफेक्ट। गाइज मैं यहाँ पे ले रही हूँ प्लेट, ये 7.5 केजी के, 7.5 किलो की। अगर आप बिगनर हैं तो आप 5 किलो या 3 किलो से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपना ड्रीम फिजिक चाहिए तो उसके लिए कुछ तो एफर्ट करना ही होगा, तो आपको एटलीस्ट वेट तो लेना ही पड़ेगा। बहुत इफेक्टिव है, सीरियसली जिम जाना भूल जाओगे अगर आप ये वाली एक्सरसाइजेस फॉलो कर लोगे। स्टार्टिंग में हमें अपनी बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में खड़ा होना है, हमारा पॉस्चर बहुत करेक्ट होना चाहिए कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले। उसके बाद हमें बिना घुटने मोड़े अपनी बॉडी को नीचे लेके जाना है, देन ऊपर आना है, डाउन अप। इसको बहुत स्लो मोशन में करना है, जितना आप स्लो मोशन नीचे जाएंगे उतना स्लो मोशन में ऊपर आएंगे, तो उतना ही आपके टमी एरिया पे इसका लोड आएगा। ये हम करेंगे 15, और 15 के आपको करने हैं 2 सेट्स। बारी आती है हमारी सेकेंड एक्सरसाइज की, हम करने वाले हैं अपने साइड्स पे काम, जो यहाँ के बल्जेस होते हैं, टायर्स होते हैं, अपने शोल्डर जितने आपको पैर खोल लेने हैं। अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे, क्योंकि आप स्टार्टिंग में बैलेंस नहीं कर पाएंगे अगर बिगनर है तो। अब हमें बेंड होना है, एक हाथ आपका यहाँ जाएगा, दूसरा हाथ आपका जितना मैक्सिमम नीचे जा सके, आपको कुछ सेकेंड्स के लिए होल्ड रखना है, देन बहुत स्लो मोशन में ऊपर आना है। झटका मत दीजिएगा, आपके रिस्ट में आपके कहीं पेन हो सकता है क्योंकि आपके हाथ में वेट है। आगे नहीं जाना, पीछे नहीं जाना, साइड आप 10 टाइम्स आपको इस साइड करने हैं, और 10 टाइम्स ही आपको अदर साइड पे करने हैं। इक्वल रखिएगा नंबर रेशो जितना भी आप कर रहे हैं। कंप्लीट हो गए हैं, अब मैं अदर साइड पे करूंगी। घुटने आपके बैंड नहीं होंगे, पोजीशन करेक्ट देखेगा, साइड पे जाते नहीं, आपको कुछ सेकंड्स होल्ड, देन आपको वापस आना है नॉर्मल पोजीशन में। अगेन आपको 10 टाइम्स ही करना है। हमारे दोनों साइड कंप्लीट होती हैं। अब आपको इसके 2 सेट्स करने हैं। एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, अगर आपके वेट लेते टाइम पेन होता है तो आप इस तरह के ग्लव्स ले सकते हैं, अच्छे कोई ब्रांड के लेंगे तो ज्यादा अच्छा, इनका जो कुशन होता है इससे आपके यहाँ पर हथेलियों में पेन नहीं होगा और आप बहुत अच्छा वर्कआउट कर पाएंगे। दूसरी चीज, कभी भी कोई एक्सरसाइज करते हैं आप, जब कोई भी मोशन, कोई भी किसी भी आप पोजिशन में कर रहे हैं और बहुत फास्ट कर रहे हैं, तो चाहे आप उसके 100 टाइम्स उसको रिपीट करें, आपके इफेक्ट नहीं आएगा। जितना आप स्लो जाएंगे, जितना आप स्लो ऊपर आएंगे, कोई भी हो गया, चाहे प्लैंक हो गया, टमी की हो गई, तभी आपके उस एरिया में लोड आता है और वहाँ का जो है फैट कट होता है, आपकी मसल टोन अप होना स्टार्ट हो जाती है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अपनी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। सेम हम प्लेट यूज़ करने वाले हैं। बारी आती थर्ड एक्सरसाइज की, आपको अपने कंधे से जितने अपने पैर खोलने हैं, फिर बाहर करने हैं पीछे की तरफ, कमर आगे बेंड रहेगी, डाउन जाना है,
अप जाना है। प्लेट को आपको अप एंड डाउन करना है, जिसका इफेक्ट आपके सीधा टमी पर आएगा। आपको 15 टाइम्स करना है और 15 के आपको 2 सेट्स करने हैं। तो यहाँ पर हमारी बेहतरीन सी एक्सरसाइजेस कंप्लीट होती हैं। तो इसके बाद आपके टमी पे कितना लोड रहा, आपके कितनी मसल दुख रही हैं, वो नेक्स्ट डे कमेंट जरूर करना। उसके बिना कमेंट मत करना, बस कमेंट अभी क्या करना है कि आप मुझे कितना प्यार करते हो, मेरी एक्सरसाइज कैसी लगी और किन के साथ आपने ये वीडियो शेयर करा प्लीज बता देना। ऐसे कुछ नया और इनोवेटिव देखना चाहते हो तो अपना सिटी नेम और नाम लिख देना, मैं आपके कहने पर ये वीडियो बनाऊंगी। अभी जो मैंने वीडियो बनाया है पटना से पूजा जी हैं, उनके कहने पर बनाया है। तो ऐसे अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम लूँ विद सिटी नेम, तो बस आपको कमेंट करना है। फेसबुक पे मेरा पेज है हेल्थ टाइम और इंस्टा पे मेरा अकाउंट है ईशा मेहरा 89। आप वहाँ दोनों जगह मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए जोश और ज़बरदस्त एक्सरसाइजेस के साथ। गुड लक।